गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू टू द फर्स्ट सेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो आज के हम अपने इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा पहला यूनिट है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट यूनिट के बारे में, जो फर्स्ट यूनिट हमारी जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड प्योर सब्सटेंसेस। सो हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की तरफ जाएंगे पहले, और थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। उसके बाद जो हमारा प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट है हम उसकी तरफ भी जाएंगे, वो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। सो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। सो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट साथ ही साथ ये पहली बार में बहुत ही कम लोगों को समझ आता है, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं ये खुद के एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है कि पहली बारी में समझ नहीं आता है, और मैंने बहुत सारे जगह बहुत सारे लोगों को भी देखा है जिनको पहली बारी में कभी थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आई है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। और इसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में एक साइंटिस्ट हैं आर्नोल्ड सोमरफेल्ड, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है इसी तरीके का कि थर्मोडायनेमिक्स पहली बारी में समझ नहीं आती है। सो चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, इंट्रोडक्शन। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये पहली बारी में समझ आ जाए। डिपेंड करता है आप लोग किस लेवल पर जाकर इसको पढ़ते हैं। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पहला हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर चैप्टर के, वी विल डिफाइन, फर्स्ट डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, एंड देन विल सी व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आफ्टर दैट विल सी देर आर टू मेथड्स टू अप्रोच थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट इज क्लासिकल मेथड एंड द अदर इज स्टैटिस्टिकल मेथड। वील टॉक अबाउट दीज ऑल्सो। सो फर्स्ट विल गो टू व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सबने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, 11th या 12th में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया होगा, कार्नोट प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ा बहुत हर किसी ने पढ़ा है। तो हम चलते हैं आज की थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। ये थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है, थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड्स को मिला के बना है, थर्म और डायनेमिक्स। इसके बाद हम पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन भी कर देंगे कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को समझ भी आ जाएगा कि इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाई गई। तो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्म एंड डायनामिस, नॉट डायनामिक, इट इज़ एस, डायनामिस, ओके। सो थर्म एंड डायनामिस, वेर एज थर्म मीन्स हीट एंड डायनामिस मीन्स पावर। सो थर्मोडायनेमिक्स जो नाम दिया गया है इस सब्जेक्ट को, ये जो भी ब्रांच ऑफ साइंस बोलो या जो भी इसको सब्जेक्ट बोलो, इसको नाम ये इसलिए दिया गया क्योंकि स्टार्टिंग में, इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था हमारा सब्जेक्ट, उस समय लोगों ने कोशिश की थी कि वो हीट को पावर में कन्वर्ट करें, हीट को पावर में कन्वर्ट करा जाए। तो पूरा जो एफर्ट था वो था केवल हीट को पावर में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा इंजन का, जेम्स वॉट नाम के हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर आगे चल चल के लोगों ने बहुत सारी अपने इसमें एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनके रिजल्ट, इनके रिजल्ट्स बताए लोगों को, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है काफ़ी लोगों का। सबसे पहली बुक जो रैंकाइन नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स की पब्लिश करवाई थी। तो बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को हमारे सामने लेकर आए। और ये सारा जो भी सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये सब्जेक्ट केवल और केवल एक्सपीरियंस बेस्ड है। मतलब ये एक्सपीरियंस इन द सेंस, मतलब जितनी भी चीज़ें हो रही है, नेचुरल फिनोमिना है, सारे नेचुरल फिनोमिनाज को लोगों ने देखा, और नेचुरल फिनोमिनाज को देखा और एक पर्टिकुलर वे में हो रहे थे वो। तो वो जितने भी लॉज थर्मोडायनेमिक्स में आने वाले हैं, वो सारे लॉज क्या है, नेचर के लॉ है, किसी के खुद के बनाए हुए नहीं है। तो पर्टिकुलरली नेचर में हो रहा है, लोगों ने केवल जस्ट उसको देखा और उसको फिर बताया कि नेचर में चीज़ें इस तरीके से होती है, और उनको एक लॉ का नाम दे दिया, ठीक है। तो किसी का कोई अपना बनाया हुआ लॉ नहीं है, सब नेचुरल लॉ है। सो इसमें लोगों ने स्टेटमेंट दिए, जैसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉसिस स्टेटमेंट। दो लोगों ने स्टेटमेंट दी है केवल लॉज के बारे में, उनके खुद के लॉज नहीं है ये, उन्होंने खुद कुछ नहीं बनाया है। सो जो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास जो सब्जेक्ट है, ये पूरा और पूरा हम कहें कि नेचर के लॉज के ऊपर बेस्ड है।
तो अब देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स थर्म एंड डायनेमिक्स द होल एफर्ट वॉज टू कन्वर्ट दिस हीट इंटू पावर, द होल एफर्ट वॉज ओनली दिस। लेकिन इस हीट को पावर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं और उन्हीं एफर्ट्स की वजह से हमारे सामने एक थर्मोडायनेमिक्स नाम का सब्जेक्ट उभर कर आया। ठीक है, ये हीट को पावर में कन्वर्ट करना था जस्ट, बट इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हमारे सामने। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबने बचपन में स्टोरी सुनी थी कि कहीं पर पानी गर्म हो रहा था, चाय की केतली थी उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ था, तो वो जो स्टीम थी वो जो हमारा ढक्कन था उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से है कि वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था कि हम थर्मल एनर्जी को यूज़ करके, मैं हीट को थर्मल एनर्जी बोलने वाला हूँ ज़्यादातर, थर्मल एनर्जी को यूज़ करके, ये थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है पावर में। तो उन्होंने यही सोचा कि हम क्यों ना ये जो हीट है इससे हम जो हमारी मोटर है, जो हमारे क्या कहते हैं आप लोग, रेलगाड़ी है, ट्रेन है, जो भी, ये चला सकते हैं, मतलब इसको रोटेशनल मोशन दे सकते हैं एक तरीके से। इसके बाद ही हमारे और सब्जेक्ट, यहीं से हमारे और सब्जेक्ट्स भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। अब मैं जस्ट आप लोगों के ओवर व्यू देने के लिए मैं बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की जो डेफिनेशन आने वाली है। सपोज वी एड सम हीट टू अ बॉडी, हमने किसी एक बॉडी को हीट दी। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने हमने एक गैस ली एक कंटेनर में, उसको गर्म करना शुरू किया, सो उसका टेम्परेचर राइज होगा, इसका प्रेशर राइज होगा। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें राइज होंगी, और मे बी अगर टैंक अगर रिजिड है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अगर रिजिड नहीं हुआ तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है, इनको सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें। तो जैसे ही आप ये सब इसमें हीट देंगे, ये कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी देंगे, तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारा जो सिस्टम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहे हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को भी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। तो जब आप हीट दोगे, हीट देने से आपको दिखा कि ऐसा हो रहा है, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ गया। फिर इन चेंजेस, इनके अंदर जो चेंजेस है उनकी मदद से आप वर्क प्रोड्यूस कराओगे, और फिर देखोगे फिर से इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा एफर्ट क्या है इसको कन्वर्ट करने में, यहाँ पे आपने एनर्जी दी, इसको चेंज, इसमें चेंज हुआ, आपको ये चेंज भी पढ़ने पड़े कि ये चेंजेस क्या हो रहे हैं, फिर उसके बाद उसको वर्क में कन्वर्ट करना है। तो वर्क में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो हीट को, तब क्या लिमिटेशन है, आप कितनी एफिशिएंसी से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, हर एक चीज़ हमारे सामने उभर कर आई। और फिर लोगों ने देखा कि कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन के बारे में भी लोगों ने बताया। तो अब मैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा और आप लोगों को बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स हमारी डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होती है। आप पानी गर्म कर रहे हैं, वहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स है। आप छत में गए, धूप में गए, वहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स, आपने खाना खाया, वो जो खाना है वो कन्वर्ट, उसमें वो गया आपके पेट में, वो टूटा, और वहाँ भी थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है। हमारी जो बॉडी है इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है। तो हर जगह आप थर्मोडायनेमिक्स को देख सकते हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हमें हर एक जगह, दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है हर एक जगह आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोई शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स नहीं लग रही हो। सो अब चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की एक सो कॉल्ड डेफिनेशन। कोई भी डेफिनेशन आप अपने आप भी बना सकते हो थर्मोडायनेमिक्स की। मैं आपके सामने एक वर्जन रख रहा हूँ जो मेरा खुद का है, मैंने अभी बनाया, तो देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एनर्जी, एनर्जी हमने ये बात करी यहाँ पे, दैट डील्स विद एनर्जी एंड इट्स, पहले देख लेते हैं, हमने सबसे पहले एनर्जी को कन्वर्जन की बात करी, तो एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन, एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन, एनर्जी का कन्वर्जन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम, इट्स इफेक्ट ऑन अ सिस्टम प्रॉपर्टीज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट कर रहा है एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से, इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन से सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ एनर्जी का कन्वर्जन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात करता है। ठीक है, तो इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था, बट अब धीरे धीरे जब थर्मोडायनेमिक्स और ज़्यादा इवॉल्व हुई, इसके अंदर फिर बहुत सारे एस्पेक्ट और आ जाते हैं। जैसे पावर प्लांट में आप जाओगे,
पावर प्लांट इंजीनियरिंग में बात करोगे तो ये थर्मोडायनेमिक्स का हमारे पास एप्लीकेशन है। आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करोगे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करोगे, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन पार्ट है। अब अगर आप पावर प्लांट आरएसी आईसी इंजन्स की बात करोगे, वो भी थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है। तो ये सब जितना भी थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन पार्ट है। हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का भी हमारे पास एक अलग कोर्स होता है। सो जितना आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बोलना चाहें उतना कम है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है बहुत टाइम से। सो बेसिकली अब हमको थर्मोडायनेमिक्स अगर कोई पूछे तो हमें इतना पता होना चाहिए, हम उसको ये बता दें कि थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी से डील करते हैं। पहले एनर्जी से डील करते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, हम एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके बाद जब आप एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो उस समय हमारी जो सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम ये सब चीज़ें करते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन करवाते हैं, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस भी हमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने पड़ते हैं। और साथ ही साथ अब जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स इवॉल्व हुई, अब थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो पावर प्लांट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और आईसी इंजन में भी हमको देखने को मिलता है। वैसे तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आप थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ना कर सको। जैसे जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ेंगे वहाँ पर हमें पता चल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली चार लॉ है हमारे पास, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आगे चलकर। पहले अब हम देख लेते हैं हमारा क्लासिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स को अप्रोच करने की हमारे पास दो टेक्निक्स हैं या दो अप्रोच हैं, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल, या फिर इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। सपोज वी हैव अ सिस्टम, मतलब सिस्टम हम आगे चल के भी डिफाइन करेंगे, पर मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है, एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। अब अगर मैं इसको हीट देता हूँ तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं ये, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। इनकी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट होंगे, उससे फिर आपस में टकराएंगे, इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर बात करते हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो बाद में डिफाइन करेंगे। तो हम दो ही प्रॉपर्टी लेकर चल रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो जब आपने हीटिंग करना स्टार्ट किया, सपोज़ आपने बॉटम से हीटिंग करना स्टार्ट किया, तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल जो होंगे उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, और जो ऊपर मॉलिक्यूल होंगे उनके पास कुछ कम एनर्जी होगी इनसे ज़्यादा। जब ये आगे जाएंगे उनसे टकराएंगे तब एनर्जी इंटरेक्शन होगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर बताओ, तो अगर आप यहाँ मेज़र करोगे तो यहाँ टेम्परेचर कुछ और, यहाँ मेज़र करोगे तो कुछ और, हर जगह अलग अलग मिलेगा, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आपके पास कम मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो कि आपके पास पाँच ही मॉलिक्यूल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मॉलिक्यूल हैं, तो आप इंडिविजुअली जाकर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर और द प्रेशर एग्जर्टेड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आप मेज़र कर सकते हो इंडिविजुअली। ये सब चीज़ आप, बहुत कम मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास हो तब इंडिविजुअली जाके आप ये इनको मेज़र कर सकते हो। बट इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अक्सर ऐसा हमारे जनरल केसेस में ऐसा ही होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं कि हम यहाँ पर जाके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को अगर स्टडी करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को स्टडी वहाँ पर करना चाहते हैं जहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल कम हो। तो जिस अप्रोच में आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को जाकर स्टडी करते हो, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को जाकर स्टडी करते हो, उस अप्रोच का हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। बट अब जब आपके पास मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और साथ ही साथ आप किसी ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ पर आपको कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर का कोई डर ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम स्पेसशिप वगैरह में जा रहे हैं, स्पेसशिप वगैरह भेज रहे हैं,
या कुछ रॉकेट वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये नहीं चाहते हो, आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है, तो आप चाहते नहीं हो कि आपका फेलियर हो, तो आप हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को स्टडी करना चाहेंगे। बट फॉर एग्जांपल अगर आप एक पावर प्लांट चला रहे हो, तो पावर प्लांट एक रॉकेट के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है और वहाँ पर फेलियर होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स को, वहाँ पर हम इस तरीके का अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, होने की गुंजाइश कम होती है, नुकसान होने की गुंजाइश कम होती है। तो हम क्या करते हैं, उस अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके की जब हमारे पास केस होते हैं, एक केस तो मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा केस ये है कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है उस समय हम क्या करते हैं, हम इन मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एवरेज बिहेवियर को अब किस तरीके से स्टडी किया जाए, आप एक थर्मोमीटर लाए, आपने यहाँ रख दिया और थर्मोमीटर से आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया, थोड़ी देर तक रखा, वो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम में आ जाता है हमारे सिस्टम के साथ और टेम्परेचर उसका मेजर कर लेगा, पूरे सिस्टम का वो एवरेज टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो। इसके साथ साथ इससे बेहतर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने जब आप अपने टायर में हवा भराने जाते हैं तो वो एक प्रेशर गेज लगाता है, उसमें एक डायल बना होता है ऐसा, तो इस गेज में कुछ रीडिंग आती है, ये जो रीडिंग आई है आपकी ना यहाँ पर, ये रीडिंग किसकी आई है, इसके अंदर जो आपके टायर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एवरेज प्रेशर की आई है, ठीक है। इंडिविजुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर अलग अलग हो सकता है, बट ये एक एवरेज प्रेशर आपको देता है, कौन सा, ये जो आपका गेज है, प्रेशर गेज है, बार मैंने लिख दिया, ये बार जो है प्रेशर की यूनिट होती है। सो हमारे पास दो अप्रोच हो गई, एक में आप मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दूसरा अप्रोच क्या है जिसमें आप मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो दो हमारे पास केस हो गए, तो जिसमें हम एवरेज बिहेवियर स्टडी करते हैं उसको आप मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हो, और जो जिसमें इंडिविजुअल को करते हो वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, देखो मैं इसको बता देता हूँ, क्लास माइक्रोस्कोपिक यूज़ कहाँ, जो थ्योरी होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है कहाँ यूज़ होती है, रेयरफाइड गैसेस के लिए यूज़ होती है। जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने लगते हैं, ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम होते चले जाते हैं, तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका मीन फ्री पाथ जो है वो बढ़ने लगता है। जब बढ़ने लगता है तो ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होने लगते हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं। सो वी आर एबल टू स्टडी ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, हम वहाँ पर, और दूसरी बात ये कि हमें वहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अब हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। सो क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल क्लासिकल अप्रोच और स्टैटिस्टिकल अप्रोच ये है हमारे पास, एक में एवरेज बिहेवियर स्टडी करते हैं, दूसरे में इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करते हैं, और ये रेयरफाइड गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सो इसके जो भी नोट्स होंगे मैं आप लोगों के साथ